जोशी मठ नहीं अब ज्योतिर्मठ गई। देवभूमि में नाम बदलो की राजनीति का जिक्र हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर उत्तराखंड चल रहा है, नाम बदलने की सियासत। लेकिन नाम बदलने से क्या कुछ बदलेगा, खासतौर पर जोशी मठ के संदर्भ में? अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष कटाक्ष कर रहा है, लेकिन मसला धार्मिक नजरिए से भी है और इसका एक संदेश भी। वैसे भी देवभूमि आस्था के लिहाज से लोगों के दिलों में बसती है। चार धाम, कैंची धाम भी है और हेमकुंड साहिब भी है, तो ऐसे में नाम बदलने से विपक्ष को ऐतराज क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। लीजिए जनाब, अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार यूपी की योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल पड़ी है और उत्तराखंड में नाम बदलो अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया है। इसके साथ ही कोशिया कुटोली तहसील का नाम अब कैंची धाम रख दिया गया है, जिसको मंजूरी भी मिल गई है। आपको बता दें कि लोग पिछले कई वर्षों से इन दोनों जगहों का नाम बदलने की मांग करते आ रहे थे। राज्य की सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखने की घोषणा की थी, लेकिन आम चुनाव की वजह से नाम बदलने वाला प्रस्ताव रुक गया था। और अब जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 3.0 आई, तो उसने आते ही उत्तराखंड सरकार के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद अब जोशी मठ को ज्योतिर्मठ और कोशिया कुटोली तहसील को कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। दोनों तहसीलों का नाम बदलने से स्थानीय और यहां से आस्था रखने वाले लोगों में भारी उत्साह है, मगर सियासत सवाल उठा रही है। विपक्ष को सरकार की नीति और नियत दोनों पर शक है। विपक्ष तंज कस रहा है, ये कहते हुए कि नाम बदलने से शायद जोशी मठ की दरारें अब भर जाए। हो सकता है दरारों के दिए जख्म अब सूख जाएं। पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है, और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये क्योंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था, मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो घोषणा की थी, जो वहाँ का कुशिया कोटोली जो तहसील थी, उस तहसील का नाम कैंची धाम के नाम से रखा जाएगा, तो इसलिए उसका जियो हो गया है, फाइनल जियो हो गया है। उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कैंची धाम के निकट जो कुशिया कोटोली नाम की तहसील थी, उसका नाम कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को नाम बदलने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। कोई कीर्तिमान अपना स्थापित नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उनको याद किया जाए, लेकिन हाँ, सबके सब इतिहास पुरुष जरूर बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि एक अच्छे और सफल मुख्यमंत्री वो केवल नाम बदलने से नहीं जाने जाएंगे। कभी कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलना, कभी रेलवे स्टेशंस का, कभी शहरों का, कभी एयरपोर्ट का, ये एक एक्सपर्टीज भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो गई है। खैर, सियासत सवाल पूछ रही है कि क्या नाम बदलो का अभियान यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी चल पड़ा है। मगर सवाल इतना भर नहीं है, सवाल कई हैं। सवाल ये कि 2023 में जोशी मठ के सीने पर लगे दरारों के जो जख्म हैं, वो आज तक क्यों भर नहीं पाए। दरअसल ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पिछले साल की ही तो बात है, जब जोशी मठ में जमीन धंसने की घटनाएं दुनिया की सुर्खियां बनी। जनवरी में स्थानीय प्रशासन ने एक के बाद एक 38 परिवारों को उनके घरों से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। इन परिवारों को बाहर निकालने की सबसे बड़ी वजह थी कि उनके घरों में दरारें आ रही थी। ये तस्वीरें शायद आपके जहन में आज भी ताजा होंगी। हर दिन बीतने के साथ
इलाके के कई घरों में दरारें बढ़ती जा रही थी और दून में सियासत की चिंता भी। इसके बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ और इन घरों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाद में जांच में पता चला था कि जोशी मठ की जमीन धस रही है और इसी वजह से जोशी मठ के घरों में दरारें दिख रही हैं। कई जानकार जोशी मठ में जमीन के धंसने की एक वजह आसपास चल रहे प्रोजेक्ट्स को भी मानते थे, मगर अभी ये खबर ही आई थी कि जोशी मठ का नया नामकरण हुआ है। साथ ही तो जोशी मठ को लेकर अब सियासत भी हो रही है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो दो मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का चेहरा है। शीशपाल बिश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले कमलेश जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जोशी मठ नाम बदलने से दरारें भर जाएंगी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल कमलेश जी। जी, मैंने कहा नाम बदलने से दरारें भर जाएंगी। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। दरारें भरने का काम प्रशासन और शासन कर रहा है, वहाँ की कमेटी कर रही है, वहाँ के विधायक कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जोशी मठ के अंदर इस तरह की दरारें आ रही है और वैज्ञानिक लगे हैं कि क्यों और कैसे ये दरारें आ रही है। वो अपना काम वो कर रहे हैं, शासन की तरफ से काम चल रहा है। लेकिन नाम बदलने का मतलब ये नहीं है कि उसको विकास के नाम से जोड़ के देखा जाए। समय समय पर हमेशा सरकारें रहती हैं, जन भावनाओं के अनुरूप नाम बदलने का काम भी करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तराखंड हमारा धर्मस्थली के नाम से जाना जाता है, तपस्थली के नाम से जाना जाता है, वीरोस्थली के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि जब यहाँ पर वीरों के नाम से भी रखे जाते हैं, मार्ग भी रखे जाते हैं, चौक भी रखे जाते हैं, हमारे देवी देवताओं के नाम से भी तमाम वो चीजें रखे जाते हैं। मैंने आपसे पूछा था ये दरारें भर जाएंगी कमलेश जी? बिल्कुल बिल्कुल, दरारें, मैंने कहा कि दरारें भरने का काम शासन और प्रशासन कर रहा है और वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसकी वजह क्या है और ये क्यों दरारें आ रही है, ये क्यों खड्डे हो रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं। बकायदा जो वैज्ञानिक है वो लगे इस चीज के लिए कि कब और क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही है, क्यों इस तरह के जो खड्डे दिखाई दे रहे हैं या दरार आ रही है उसको देखने का काम करे सरकार। शीशपाल जी, आपको क्या आपत्ति है? नाम बदला जोशी मठ का तो आपको क्या दिक्कत? देखिए तिलक जी, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ज्योतिर्मठ जो है वो ऐतिहासिक और धार्मिक नाम है, प्राचीन नाम है। लेकिन हमें दिक्कत इस बात से है कि जो जोशी मठ का दर्द है, जो जोशी मठ की पीड़ा है, उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। 2 साल से ज्यादा समय हो गया, जोशी मठ के लोग जिस पीड़ा में है उसको सरकार क्यों नहीं समझ रही? जोशी मठ के लोगों का पुनर्वास होना था, आज तक नहीं हुआ। उनके मुआवजे का सेटलमेंट आज तक नहीं हुआ। शिशपाल जी कह रहे नाम बदलने से क्या पुनर्वास हो जाएगा उनका, विस्थापित हो जाएंगे? विपक्ष में है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ वो आप बोलिए, गलत बात बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि शीशपाल जी भूल गए थे कि जिस वक्त 2013 की आपदा आई थी उस वक्त हरीश रावत जी नाम और चौकों के नाम चेंज कर रहे थे, जिलों के नाम चेंज कर रहे थे, तहसील। नहीं नहीं कमलेश जी, नहीं एक मिनट, 2013 की आपदा आई थी, भावना जी थे उस वक्त, ठीक। देखिए, और मैंने कहा 2016 में जिसमें 13 में जो आपदा हुई थी, जो उसमें घोटाला हुआ था, माननीय हरीश जी। कमलेश जी आपकी बात मैं करेक्ट कर देता हूँ ना, आपने अधूरी बात बोली। बौगड़ा जी थे 2013 की जब आपदा आई और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, ये मैंने नहीं बीजेपी नेताओं ने कहा था। स्कूटर के नंबर गिनवाए थे देश के प्रधानमंत्री ने परेड ग्राउंड में खड़े होकर। अब अपनी बात पूरी करिए और पूरा कर देता हूँ। बौगड़ा जी आपके साथ हैं, बोलिए। मैंने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप सब काम होते हैं, विकास कार्य कभी नहीं रुकता है। और विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वैज्ञानिकों की टीम है उनसे भी बात करी है कि जोशी मठ के अंदर ये दरारें क्यों आ रही है। शीशपाल जी, 2 साल हो गए, यही कह रहे हो ना शीशपाल जी? शीशपाल जी मैंने कहा है कि शीशपाल जी अपना कार्यकाल तो याद नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोशी मठ के लोगों के साथ बैठ के वार्ता करी है कि कैसे ये काम हो सकता है। जो लोग बच गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको भी मुआवजा और जो उनका बसाने की जो पार्टी सरकार ने करी वो करने का काम किया। देखिए तिलक जी, सवाल ये है कि चमोली जनपद में जो है जोशी मठ तहसील का नाम बदल के ज्योतिर्मठ तहसील हो गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोशी मठ की जो पीड़ा है, आप मुझे जोशी मठ का जो दर्द है उसका समाधान कब होगा? और जो चमोली जनपद है उसमें आपको याद होगा जो एसटीपी टनल में घटना घटी पिछले वर्ष, 16 लोगों की जान गई करंट लगने से, वो उसी चमोली जनपद में है।
अभी तक जो है उन लोगों के जख्म, उनके परिजनों के जख्म नहीं भरे हैं। और उसी जनपद में हेलंग नाम का स्थान भी है। नहीं कहना, कहना क्या चाह रहे हो कमलेश जी, ये पूछ रहे हैं विरोध किस बात का है? नहीं पता, वही हेलंग यही कह रहे हैं कमलेश जी, महिलाओं के साथ अत्याचारी महिलाओं के साथ ये जो है उनको जेल में बंद करने का काम किया। जनता की हमें आवाज उठाने की है, जनता की हम मुद्दों को क्या रखना है, ये केवल अपने मन से मनगढ़ंत मुद्दे बनाते हैं और उनको जो है विरोध करने का काम करते हैं, प्रदर्शन करने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस सही समय कहीं बौखला रही है अपनी हार से, कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की गली में गई है। तो आप किस तरह से आरोप लगाए और अब क्या कहे विकास कार्य धामी जी की सरकार में निरंतर चल रहे हैं। सुनना पड़ेगा, सरकार जोशी मठ के मामले में वैज्ञानिकों से तर्क कर रही है, आपका समस्या का समाधान करना है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी गंभीर है, लेकिन नजर नहीं आएगा इस पार्टी को। विश्वास से भरते आ गया कि हम पांचों लोकसभा सीट पर जनता के बीच में ऐसे मुद्दे हम लेकर के गए थे, लेकिन जनता ने कैसे नकार दिया। आप इस पार्टी को केवल शीश पाल जी एक मिनट सर, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आपदा जो है सरकार लेकर आई। शीशपाल जी एक मिनट रुके ना, मैं कमलेश जी एक बात जानना चाह रहा था, इस बात को यही खत्म करेंगे, और इस वक्त पूरे उत्तराखंड की जनता आपको सुन रही है और खासतौर पर जोशीमठ की जनता। कितने परिवारों को आपने विस्थापित किया वहां, आंकड़ा दीजिए। देखिए सरकार ने पुरजोर कोशिश करी है, भरपूर कोशिश नहीं करनी आप सरकार में, लोगों को बसाने का काम करें। कोशिश नहीं करनी मैडम, आप सरकार में है, सत्ता में है, चिन्हित करी है जगह भी, चिन्हित करी है तिलक भाई सरकार ने, जगह चिन्हित नहीं करनी स्थापित करना है। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात दूसरा सवाल, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं दूसरा सवाल कमलेश जी कह रही है कि अभी चिन्हित की है जगह, विस्थापित करेंगे, कोई आंकड़ा नहीं है। दूसरा आंकड़ा अगर आपके पास हो, कितनों को मुआवजा मिला? मुआवजा भी मिला है वहां लोगों को, क्यों नहीं मुआवजा मिला है, तमाम चीजें हुई है, सरकार ने उनसे बैठ के बात करी है, स्थानीय लोगों से बात करी है, जो लोग वहां से हटना नहीं चाहते उनको भी सरकार ने कहा है कि आप यहाँ अपनी जान को जोखिम में ना डालें, आप यहाँ से हटे, जहाँ पे आपको विस्थापित किया जा रहा वहां बसने का आप काम करें। सरकार उनके पूर्ण मुआवजा भी दे रही है, सरकार उनको जगह भी दे रही है, सरकार क्योंकि अब वहां जो लोग हैं उनकी भावनाएं वहां से जुड़ी है, वो वहां से हटना नहीं चाहते क्योंकि उनकी भावनाओं के अनुरूप देखिए, मैंने कमलेश जी से दो सवाल पूछे, दोनों का उत्तर नहीं दिया कमलेश जी ने, बहुत समझदार प्रवक्ता है वैसे। लेकिन एक बात शीशपाल जी, नाम बदलने से वोट मिलता है क्या? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि वहां पर तमाम समस्याएं है, लोग बहुत मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरस रही है, उनको जेल में डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वोट मिलता है क्या? जनाक्रोश है, जनाक्रोश है, जनाक्रोश को देख के जो है मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, और वोट मिलता है या नहीं मिलता तो भाजपा से बेहतर कौन जानता है। लेकिन जोशीमठ में जो भाजपा की प्रवक्ता अभी कह रही थी कि साहब जो है जगह चिन्हित कर रही, कहां जगह चिन्हित की उसका नाम बताएंगे? ये जो जगह प्रशासन ने सुझाई वो उससे भी भौगोलिक जो है विषम भौगोलिक परिस्थिति में लोग वहां जाना नहीं चाहते, लोग जहां जगह चाहते हैं वहां सरकार देना नहीं चाहती। और जब आपदा का समय दिया आपने टेंट में स्कूल में उस समय के लिए उनको रखा, लोग मजबूरी में फिर वापिस उन्हीं
जो है दरार वाले घरों में जाने के लिए मजबूर हुए। शीशपाल सरकार को ये नहीं दिखाई देता कि पिछला रोड आ रहे हैं। अगर मैं अभी आपदा के बारे में और चाहेंगे किसी पदाधिकारी को अगर जोर से डिबेट में वो इनको सच जो है बताने का काम करता, क्योंकि यहाँ पर धड़ल्ले से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं भाजपा की प्रवक्ता जी। गजेंद्र रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन ये मसला है ना विस्थापन वाला, वो टिहरी वाला फिर मसला भी आ जाता है ना। विस्थापन के नाम पर क्या क्या करिश्मे होते हैं, खेल होते हैं, वो आप खैर बेहतर जानते हैं। गजेंद्र जी, कैसे आप सर? बढ़िया बढ़िया। गजेंद्र जी, नाम बदला जोशीमठ का, क्या लगता है आपको इसके पीछे की सियासत क्या है? जोशीमठ के बारे में अगर आपको समझना है, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं जो नाम बदल दिया है, तो उसके आलोक में आप जाएंगे तो पिछला जो विधानसभा सत्र हुआ था देहरादून में जी, तो भाजपा के जो अभी नए नए उप बने हैं वहां पे राजू भंडारी, पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे भंडारी जी, राजू भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने उस सत्र के भीतर पुष्कर सिंह धामी से लेके इनके आपदा मंत्रालय से लेके इनके विस्थापन से लेके भारत सरकार को इतना बुरी तरह घरियाया, अगर ऐसी प्रोसीडिंग को उठा के देख लेंगे तो हो सकता है कि भाजपा वालों को लगेगा कि राजू भंडारी को तो गलती ले ली इन्होंने अपनी पार्टी में लेकर। राजू भंडारी ने वहां पर बहुत बुरी तरह सरकार को एक्सपोज करने का काम किया, और साथ साथ वो जब वहां भूस्खलन की घटना शुरू हुई जोशीमठ के भीतर, तो मुखर होकर उन्होंने बताया कि कोई सरकार यहां नहीं आ रही, सरकार का मंत्री नहीं आ रहा, कोई अधिकारी यहां बात नहीं करता, और इसके अलावा उन्होंने जिस प्रकार वहां धरना प्रदर्शन किया, वहां के लोगों के साथ बैठकर काम किया, अब वो चूंकि इनकी पार्टी में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि अब उनके भी जो सारे आरोप प्रत्यारोप होंगे सब समाहित हो गए होंगे। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर आपने जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया तो उससे क्या भला होने वाला, ये तो सिर्फ पर जलाने वाली बात है। और ऐसे करीबन 150 उदाहरण है हमारे पास, जो भारत पिछले 10 साल में भारत सरकार ने और हमारे पड़ोस में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ऐसे नाम बदल बदल कर पूरे देश दुनिया को गुरु बरगलाने काम किया, लेकिन आज की तारीख में जो मैंडेट आया है उसने बताया कि आप नाम बदलने से कुछ भला नहीं होने वाला है, आप जब तक जनता की भावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। गजेंद्र जी, मैं आप ही की बात आगे लेकर जा रहा हूं। कमलेश जी, बात जो गजेंद्र जी कह रहे हैं वो वजन तो है उस बात में, ये जो माननीय राजेंद्र भंडारी जी हैं, इनकी कलाकारी करिश्मे तो 2007 से जनता सुनती हुई आ रही है और देखती भी आ रही है, मालूम है ना, निर्दलीय चुनाव जीते, फिर उसके बाद खंडूरी जी को समर्थन और समर्थन की आवाज में मंत्रालय, और फिर उसके बाद एकाएक जब बोगड़ा जी की सरकार आई फिर पलटी मार दी, तो वो तो उनका इतिहास है, खैर छोड़िए उस बात को। लेकिन ये जो अब प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जैसे कि गजेंद्र जी जो समझा रहे हैं, कुल मिलाकर ये क्या भंडारी जी के लिए थोड़ा कंफर्ट जोन हो थोड़ा, क्योंकि अब टिकट तो दोबारा उपचुनाव वो उनके बिना तो बात बनेगी भी नहीं, नहीं अब वो उनकी पत्नी वाला मामला छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा, ऐसा है क्या कुछ? देखिए तिलक भाई, एक प्रतिनिधि जब होता है तो अपनी बात को सक्षम होता है रखने में, और सरकार को ये बताने में सही क्या है और गलत क्या है, सरकार उसका अनुसरण भी करती है, चीजों को देखती भी है कि जब एक जनप्रतिनिधि किसी बात को रखता है, अपने जिले की बात को रखता है या अपने विधानसभा की बात को रखता है, तो सरकार उसको ध्यान से सुनने का और देखने का काम करती है, और जो कहीं कुछ कमियां रहती है उनको सुधार करने का काम भी करती है। और ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से क्योंकि वहां की जो जनभावनाएं थी, जो काफी लंबे समय से लोग इस बात की मांग कर रहे थे, और क्योंकि वहां पर नहीं इसी जोशीमठ को लेकर राजेंद्र भंडारी ने मोर्चा खोला था। मैंने कहा ना कि जब एक जनप्रतिनिधि होता है अपनी बात को रखता है, पारदर्शिता से रखता है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं कि अपनी बात ना रखे, कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी बात अपने जिले की, तो अब ये जोशीमठ की जनता पूछेगी भंडारी जी से कि आप हो किसके, कमलेश जी कमलेश जी नाम तो बदल दिया आपने, यही जोशीमठ की जनता तो जोशीमठ की रहेगी ना, जनता तो बदल नहीं जाएगी, या उनका नाम तो बदल नहीं जाएगा, परिसीमन तो हो नहीं जाएगा, तो फिर वो जनता भी तो पूछेगी माननीय राजेंद्र भंडारी जी आपने तो पाला बदल लिया, नाम बदल लिया, पूछेगी तो सही ना जनता। पाला बदलने से तिलक भाई, पाला बदलने से राजेंद्र भंडारी जी की जो सेवाएं हैं ना, जो वहां का काम है, जो उन्होंने विकास कार्य किया, वो जो जनता के बीच में उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं वो जनता नहीं भूलेगी। उनके सेवा की किससे सुनाओ जी, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं। कमलेश जी, उनके सेवा के किससे सुनना चाहेंगे आप?
देखिए मैंने कहा ना कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपनी बात को किसी भी तरीके से मुखर तरीके से राजेंद्र जी कमलेश कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राजेंद्र भंडारी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नाम बदल देंगे। भाई हमारा ये मानना है कि इसी टीवी चैनल पर आपने कम से कम 10 बार तब डिबेट करी जब महेंद्र भट्ट के कहने पर, पुष्कर सिंह धामी के कहने पर राजू भंडारी की पत्नी को बर्खास्त किया गया और ये कहते थे कि राजू भंडारी की पत्नी बहुत बड़े घोटाले करती है, ये राजू भंडारी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते थे। आज उनके पाले में आ गए तो क्या विषय बदल जाएगा? और राजू भंडारी तो वही है जिन्होंने 24 घंटे पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे पौड़ी में अनिल बलूनी, उनको बुरी तरह गड़ियाया, उनको बताया दिल्ली में रहने वाले हैं, उत्तराखंड के लोगों के साथ आते नहीं है, अगले 12-13 घंटे बाद भाजपा में शामिल हो गए। जनता पे छोड़ देना चाहिए उनके पाप करेंगे या नहीं करेंगे वो, और आप और हम यहाँ बैठ करके निर्णय नहीं ले सकते, ये जनता का निर्णय है कि नहीं करते हैं, केवल हम यहाँ पर बैठ करके बहस कर रहे हैं इस बात के लिए जनमानस क्या चाहता है वो आपको पता है ना, इस बात के लिए राजेंद्र भंडारी जी जनता को जवाब देंगे, अब वो कितने समर्पित रहे हैं कितने नहीं रहे वो जनता उस समय देख लेगी, चुनाव होगा तो पता लग जाएगा। शीशपाल जी ये क्या वाकई में ये राजेंद्र भंडारी वाला भी कोई फैक्टर है क्या जो बात देखिए, अभी अभी जिस तरीके से गजेंद्र भाई ने कहा कि राजेंद्र भंडारी सदन के अंदर खड़े होकर के भाजपा सरकार पर जो है जोशीमठ आपदा में लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहे थे, पुनर्वास में करने के आरोप लगा रहे थे, कई प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहे थे, क्या वो तब सच बोले थे? ये भाजपा बताने का काम करेगी और भाजपा क्या बताएगी? अब छोड़िए ना बात को, अरे मैं तो पूरी कह रही हूँ कि एक जनप्रतिनिधि अपने हर तरीके से सरकार को अपनी समस्या बताने का काम करता है, उसमें नया क्या कह रहे हैं? तीस साल भी आप नया क्या कह रहे हैं? मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि जनप्रतिनिधि अपने हर तरीके से सरकार के सामने अपनी बातों को रखता है, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखता है, पर मुझे लगता है आप यहाँ ना समझी के साथ बैठे हैं, आपको शायद समझ में नहीं आता कि जनप्रतिनिधि जब होता है वो सरकार के सामने हर तरीके से अपनी राजेंद्र भंडारी जी ने भी अपना कर्तव्य निभाने का काम किया, अपने क्षेत्र की समस्या को रखने का काम किया, अब आपके पेट में इतना दर्द क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा? एक मिनट शीशपाल जी अब ध्यान रखिए अपना, गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना मुझे आप लोगों की, इतना बीपी है, इतना जोर जोर से चिल्लाओगे बीपी बढ़ जाएगा। मित्रों आप हमारे, मैं एक बात जानना चाह रहा था शीशपाल जी, शीशपाल जी देखिए अब जो बद्रीनाथ में आपको कैंडिडेट ढूंढना है, सब चीजें हैं है ना वहां, और एक और भी समस्या है जैसे कि जो बात गजेंद्र जी भी कह रहे हैं वो पुनर्वास वाली, कुल मिलाकर कहानी यही निकल कर आती है ना कि जो आप कह रहे हो कि इसके पीछे सियासत छिपी है नाम बदलने को लेकर, आपका यही कहना है ना शीशपाल जी? बिल्कुल, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने और दूसरा आपने पॉइंट उठाया, मैं गजेंद्र जी के पास जाऊंगा लेकिन पहले आप ही की बात, आपने कहा कि सदन में खड़े होकर जोशीमठ को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा, महाराज शीशपाल जी ये 2007 में निर्दलीय चुनाव जीते थे, ठीक, एक दिन भी प्रचार के लिए नहीं गए थे क्योंकि इनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई थी, खड़े नहीं हो पा रहे थे। मैं आपको इनके टॉनिक बताता हूं, सत्ता का जो टॉनिक होता है कैसे आधे घंटे में बेड से खड़े हो जाते, पूरे प्रचार में इनका इतिहास है, एक दिन भी प्रचार करने नहीं गए, चुनाव जीते थे 2007 में, ठीक, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बोले कि अब सुन लीजिए बोले किसको समर्थन दोगे, बोले खंडूरी जी जिंदाबाद, खेल मंत्री रहे 2012 तक, ठीक, और फिर उसके बाद बोगड़ा जी जिंदाबाद। शीशपाल जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो फिर कौन सी नीति और नियत की बात कर रहे हो आप? और जिन्होंने जिनको आपने गद्दार कहा, जिन्होंने आपकी सरकार की पीठ में छुरा घोंपा, आपने 8x8 के कमरे में उनको पार्टी ज्वाइन करवाई और उन्होंने ही करवाई, जिनकी पीठ में खंजर घोंप के भागे थे ये लोग, बोलो गलत बोल रहा हूं? कौन सी नीति नियत की बात कर रहे हो? देखिए तिलक जी 2007 की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, और इस बार राजेंद्र भंडारी जी ने लोकतंत्र के साथ महापाप किया है, विश्वासघात किया है। एक और उदाहरण दे दो फिर मैं गजेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, गोपाल जी ने सुनिए ना, बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया है आज, ठीक है, बदला आज जिन राजेंद्र भंडारी को आप कोस रहे हैं, 2012 में जब बोगड़ा जी आए थे
तो बोगना जी को गैरसैंण ले जाने वाले राजेंद्र भंडारी जी फोटो खिंचवा रहे थे, आपने कहा था राजेंद्र भंडारी जिंदाबाद, बोला था कि नहीं? विश्वासघात तो उन्होंने अब किया है ना, हाँ चिताब नहीं किया था जनादेश का। सर मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, याददाश्त भुगतना पड़ेगा। गजेंद्र जी जनता नहीं पूछती क्या? और अगर पूछती है तो फिर ये चुनाव कैसे जीत जाते जितने महान अनुभव है? उदाहरण कहीं है, हरक सिंह रावत चुनाव, यशपाल आर्य चुनाव जीते, सुबोध उनियाल चुनाव जीते, यशपाल आर्य बेटे को चुनाव जीतवा गए। तो ये दल बदलू जो है जिनका जिक्र किया जा रहा है, तो वो भी तो चुनाव जीत जाते आराम से कि नहीं? दरअसल आज जो परिस्थितियां हैं वो भले ही उस दिन राजू भंडारी के आदेश थे जिस दिन वो दल बदल कर रहे थे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, उस लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बद्रीनाथ सीट पर जो बीजेपी है तकरीबन 10,000 वोट की लीड पर है। आज की तारीख में जो महेंद्र भट्ट है जिनको राज्यसभा भेजा गया है, और जो कुछ दिन पहले जोशीमठ में रो भी रहे थे कि मेरी इज्जत बचा लेना, अनिल बलूनी को वोट देना, उनको भी वहां झोंका जाएगा। और कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उनका संगठन जिस प्रकार पूरे प्रदेश में बिखरा हुआ है वहां बद्रीनाथ में भी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो ये इनके करण महारा जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने वहां लखपत पटोला को हरी झंडी दे दी कि आपको चुनाव लड़ना है। हाँ, लखपत भाई को। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अभी भी जब आप हम बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में भी जो स्थितियां हैं, कांग्रेस वहां संभली नहीं है, और राजू भंडारी ने 100 गलत काम किए हो बीजेपी की नजर में, वो भ्रष्टाचारी रहे हो, उनकी पत्नी भ्रष्टाचारी रही हो, कुछ भी रही हो, ठीक, लेकिन जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, वो मैं महसूस करता हूँ कि बद्रीनाथ में अभी भाजपा का एज है। हाँ। और इसी दिशा में जी वो उनके प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि भाई हमारे जो बड़े नेता है वो चुनाव में नहीं उतरे, है ना? हाँ। वो तो उनके बड़े नेता जो है वो तथाकथित बड़े नेता जिनके नाम के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वही चुनाव लड़ने से मना कर देते, फिर शीशपाल भी अकेले झंडा उठा के क्या कर लेंगे? हाँ। है ना? तो वो तो गजेंद्र भाई आप जानते ही हो वहां तो स्थिति क्या है, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी बेचारे परेशान है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिला के नाम बदलने की सियासत को लेकर खड़े हुए सवाल और सवालों के पीछे छिपी एक और सियासत की कहानी जो हमारे साथ जुड़े गजेंद्र रावत जी बता रहे थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका भी, शीशपाल जी आपका भी, और गजेंद्र जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।